वेलकम बैक टू अवर चैनल वीजे की स्वीटो। तो आज है मेरी छुट्टी और छुट्टी का दिन होता है सफाई दिवस। तो इतनी देर से हम दोनों बस यही सोचे जा रहे हैं कि सफाई कहाँ से शुरू करी जाए, कौन सफाई करेगा और कौन कौन क्या करेगा। तुम दोनों में से अच्छे से टाइल्स किसे साफ करना आता है? मेरे को नहीं आता है, इसको बहुत अच्छे से आता है। तुझे नहीं आता है? तो जिसे नहीं आता है वो ही सफाई करेगा। घर का हर काम हर किसी को आना चाहिए। तो चलो फटाफट लग जाओ काम पे। चल भाई देख क्या रहा है, सफाई कर, सफाई टाइल्स की अच्छे से। वाह भाई वाह। अरे ये क्या, कपड़े तैयार हो या कपड़े फैला रही हो? फैला नहीं रही हूँ, जो आप फैला के रखते हो ना उसी को समेट रही हूँ। आप जहाँ तहाँ वहाँ कपड़े फेंक देते हो, जैसे फेंक देते हो मैं इतने तैयार के रखती हूँ बार बार, और आप फिर से ऐसी कर देते हो। अच्छा मैंने फैलाया है रायता? तो वही समेट रही हूँ। इधर देखो, तुम दोनों से पूछा कौन अच्छे से लगा लेता है। मुझे आता है, मुझे, मैंने बैचलर डिग्री करी है पोछा लगाने में, इसे बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, जो अच्छे से पोछा लगाता है वही लगाएगा, बिल्कुल भी गंदगी नाम पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। चल लगा पोछा। अरे भैया जैप्टो में क्या है? जैप्टो में कचरा इकट्ठा करा है। सही है भारत। तो यहाँ मैंने मसाला डाल दिया है इसमें, और ये होगा 1 किलो आम का अचार है। ये अभी पूरी तरह से बना नहीं है, अभी इसमें ऑयल डालूंगी। बाकी मैंने ये जो आम थे कल, मैंने ये हल्दी और नमक लगा के रात भर छोड़ दिए थे, फिर मैंने सुखा दिए थे मॉर्निंग में शाम तक। उसके बाद मैंने इसे मसाला डाल दिया है। मसाले मैंने वही नॉर्मली सौंफ, धनिया और कलौंजी और मेथी दाना और सरसों वगैरह डाली है। बाकी देखिए विजय को भी मैंने एक काम में लगाया है, तो क्या कर रहे हैं आप बताइए? कूट रहे हैं। क्या कूट रहे हैं आप? अचार का मसाला। अब so, इसमें क्या क्या है मुझे जो पहचान में आ रहा है, सौंफ और जीरा टाइप कुछ पहचान में आ रहा है। सारा मसाला, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मसाले की ना, आपको भी आ रही है? नहीं खुशबू तो काफी अच्छी है, पर मुझे तो आएगी, मैं कूट के ही खुशबू कूट रहा हूँ तो ही खुशबू निकल रही है। लेकिन मुझे एक सवाल है, मैं बहुत देर से कूट रहा हूँ फिलहाल। हाँ बताइए। ये चीज, ये तो मिक्सी में भी हम पीस सकते थे, तो ये मेहनत में इसलिए करा रही हूँ, मेहनत का फल मीठा होता है। मिक्सी में अगर हम करते तो वो टेस्ट नहीं आता, ठीक है ना। हमारे पास सिलबट्टा नहीं है, तो सिलबट्टे की जगह ये हमारे पास कूटने वाला है, तो इसमें भी टेस्ट अच्छा आएगा, इसलिए मैं आपसे इसमें कुटवा रही हूँ। ये ट्रेडिशनल वाला जो बनाते हैं ना अचार, प्योर ट्रेडिशनल, उस टाइप से बना रही हूँ मैं। आजकल की तरह नहीं कि मिक्सी में डाला जल्दी फटाफट बना दिया, वो टेस्ट नहीं आ पाता, इसीलिए कर रही हूँ मैं ऐसा। और अचार सच में बहुत टेस्टी बनने वाला, क्योंकि ब्लैक ब्लैक मुझे ना ब्लैक अचार अच्छा लगता है, तो ये ब्लैक ही होने वाला है। आ रहा है तो ठीक है, और अभी आपसे 5 किलो अचार के लिए मसाला कुटवाऊंगी। ठीक है, नहीं नहीं मैं मजाक कर रही थी, दिल पे मत लीजिए, मैं मजाक कर रही थी। तो ठीक है फिर, तो मैंने यहाँ पर ये मिक्स कर दिया है, और मैंने इसमें ऑयल गरम करके उसमें हींग डाल के इसमें डाला था, ऑयल गरम ऑयल डाला था, थोड़ा सा मैंने इसमें कच्चा ऑयल भी डाला है, कच्चा मस्टर्ड ऑयल। अब मैं जब इसे डब्बे में डालूंगी ना, तो मैं उसे पूरा आधा डब्बा ऑयल से भर दूंगी। अभी मैंने इसमें ऐसे रखा क्योंकि मेरा डब्बा जो है वो सूख रहा है। तो ये देखिए कितना ब्लैक ब्लैक सा अचार बन गया, बहुत टेस्टी बना है, बहुत। भैया काम हो गया बहुत ज्यादा, अब पेट में दौड़े चूहे। देखो मैं आ रही सब्जी काट रही हूं। अभी कितना टाइम लग जाएगा? बस 10-15 मिनट में तैयार करूंगी खाना। तो इसके संग क्या, रोटी चावल? नहीं, इसका चावल खाएंगे। अब बहुत टेस्ट की, मुझे खुद भूख लग रही है, ऐसा लग रहा है मजदूरों को नहीं मिलता है खाना लंच में, ब्रेक मिला है तो कोई नहीं, बहुत दिन से पेंडिंग भी पड़ा हुआ था काम, कोई बात नहीं, आज सारा काम निपट गया, अब हम जल्दी से खाना बनाते हैं और खाना खाते हैं, तब तक आप अपना काम कर लो। हाँ लेकिन चावल के संग ये कद्दू लगता तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मुझे भी ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब और पूरी के संग हो या फिर कद्दू या चावल के संग। तो लीजिए तैयार है आपके लिए स्वादिष्ट भोजन, जिसमें ये है कद्दू की सब्जी,
और कद्दू की सब्जी के संग है चावल, और आप देख रहे होंगे ये आम का अचार भी इसके संग रखा है। तो काफी डेडली कॉम्बिनेशन है इस समय का, आम का अचार, कद्दू की सब्जी और चावल। तो भूख लग चुकी है, आप सब भी खाइए, हम भी खाते हैं। तेरी इतनी सारी गोलियां क्या है? और मुझे दवाई खाने में थोड़ा डर लगता है, और तो मैं दवाई कैसे खाती हूँ पता है? आज मला खाती हूँ पहले, फिर दवाई खाती हूँ, फिर पानी पीती हूँ, तब मैं दवाई खा पाती हूँ। और इस टाइम मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, तो इसलिए टाइफाइड और आजकल जॉइंटिस वगैरह बहुत चल रहा है। खैर मुझे जॉइंटिस तो नहीं है, फिलहाल थोड़ा फीवर है, तो इसलिए मैं दवाई लेके आई हूँ। तो मुझे दवाई खाने में बहुत डर लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है? आप खाते हो दवाई? लेकिन वैसे मैं तीन तीन गोली एक संग खा सकता हूँ, मेरी अटक जाती है। अच्छा, जैसे मैं अगर मैं पानी पी रही हूँ तब भी अटक जाएगी, इतनी छोटी सी गोली भी अटक जाएगी, मुझे दवाई पसंद नहीं है। अरे यार मैं तो बहुत थक गई हूँ। तब तो मैं भी गया हूँ। तो फिलहाल तो ये सोचा था कि छुट्टी का दिन है, काफ़ी ज़्यादा आराम करेंगे, लेकिन आराम तो उतना ज़्यादा नहीं हो पाया। और एक चीज़ और, मतलब वैसे लगता है कि आज छुट्टी का दिन है तो आराम से उठेंगे, लेकिन छुट्टी वाले दिन ही सबसे पहले नींद खुल जाती है। और आज तो दूध वाला भी इतनी जल्दी आ गया यार, वैसे 8 बजे आता है, आज 7:15 भी दूध वाले ने खटखटाना शुरू कर दिया था। हाँ, तो दूध वाले, तो मैं तो उठ गया था, तुम नहीं उठ रहे थे, तो दूध वाले ने ही पहले उठा दिया। उसके बाद फिर जाके उतना ज़्यादा नींद भी नहीं आई, और फिलहाल ऑलमोस्ट सारा काम निपट गया है। सो ऐसे ही निकलता है छुट्टी वाला दिन, तो मेरे ख्याल से सभी का ऐसा निकलता होगा, हमारा तो आज ऐसा ही निकला, बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा, लेकिन सफाई वगैरह बहुत। हाँ, लेकिन ये है कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक हो गया, काम निपट गया। अब ये है बस भाई, सूरज ढल चुका है अपना, सूरज ढलने वाला, अभी ढला नहीं है, मतलब ढल जाएगा कुछ क्षणों बाद, उसके बाद कहीं निकलेंगे घूमने के लिए। सो मिलते हैं फिर, तब तक ले बाय।